राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में भी ठंड ने दस्तक दे दी है और इस ठंड से बचने के लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने स्तर से व्यवस्थाएं की है, अलाव लगाया है और यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। ये खासा कोठी फ्लाईओवर है और यहाँ पर अक्सर कुछ लोग जमा होते हैं। क्या नाम है आपका, कब से है यहाँ पे? जी मानोज कुमार सिंह, सुबह 3 बजे से आया था। 3 बजे से? जी सर। जी सर। तो कितने बजे से ये आग लग गई थी? ये तो सारी रात चलती रहती है सर। सारी रात चलती रहती? जी सर। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और फिर भी ये आग लगी हुई है और सब कुछ, तो कब तक लगता है कि ये इसी तरह से लगी रहेगी? सर ये 10 बजे तक चलती रहेगी ऐसे ही। अभी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग गई यहाँ पर जयपुर में, क्या कि सर्द हवाएं चालू हो गई है अभी। ये है सर, हम तो अपने मोरेना एमपी से सर, अपना पीओपी का काम करते हैं सर। अब सर्दी 2 दिन से बढ़ गई है सर, अब क्या, हम तो गरीब आदमी है, अब घर पे वहाँ झूठवाड़ा रहते हैं, जा नहीं पाए तो यही सारी रात अपने से गुजारा किया सर। आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं पिछले 1 घंटे से यहीं पे बैठा हूँ कि सुबह सुबह ये आग लग जाती है। कल भी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि ये सुबह ठंड का अच्छा इंतजाम हो सकता है, तो यहाँ एक कप चाय भी मिल जाती है और आग भी अच्छी मिल जाती है, फिर अपने काम के लिए निकलूंगा। तो यहाँ पर चाय की दुकान भी है और लोग यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं ठंड से बचने के लिए और अलाव तापने भी आए हैं। कहाँ से हैं आप, क्या काम करते हैं, ठंड से कुछ राहत मिल रही है इससे? हाँ मिल रही है। मैं ओला उबेर में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। अभी सुबह सुबह सवारियां मिलनी शुरू हो जाती है आपको? हाँ जी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सिंधी कैंप। ठंड की वजह से दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है, पर क्या करें सर, मजबूरी है, पैर पालना पड़ेगा। कब से ज्यादा बढ़ गई ठंड? 2-3 दिन हो गए सर। तो ये आलम है इस वक्त जयपुर में सर्दी का, धूप भी काफी देर से निकल रही है। अभी अमूमन इस वक्त पर काफी तीखी धूप हो जाती थी और अभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि सूरज निकले और उसके बाद इस तरह का इंतजाम भी किया है। पारा रात के वक्त में ज्यादा गिर जाता है और उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था में ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की है। उन्हीं में से एक यहां पर खासा कोठी फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्था की थी, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की।